आयकर विभाग ने यह निर्णय लिया है कि 72 घंटे तक छापेमारी नहीं की जाएगी। लेकिन आइए, इस तरीके से जो रोक लगाई गई है इसके संबंध में व्यापारियों के अंदर जो खुशी छाई हुई है या निराशा छाई हुई है या भविष्य में फिर वो छापेमारी कर सकते हैं, इसके लिए व्यापारियों के मन में क्या उथल पुथल चल रही है, वो किस तरीके से भयभीत हैं, आइए हम सीधे व्यापारियों के बीच जानते हैं। जो आज खुली दुकानें हैं उससे व्यापारी क्या प्रकट करना चाहते हैं, सीधे हम व्यापारियों से जानते हैं कि जो 72 घंटे की रोक आयकर विभाग द्वारा लगाई गई है उससे क्या परिणाम आएगा, उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा और क्या वो संतुष्ट हैं और क्या नहीं संतुष्ट हैं, इससे सीधे हम व्यापारियों से बात करते हैं। सर बताएं, क्या जो 72 घंटे की रोक विभाग द्वारा लगाई गई है इससे क्या काम करना चाहेंगे संबंध में आप? देखिए, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा परसों भी कहा गया था चैनल के माध्यम से कि व्यापारियों द्वारा बनाई गई ये भाजपा की सरकार और भाजपा से बहुत सी उम्मीदें जो थीं वो आज सुनने में आ भी गया है कि व्यापारियों के प्रति काफ़ी नम्रता दिखाते हुए मुख्यमंत्री तक का आदेश हो चुका है। सवाल 72 घंटे या अनिश्चितकालीन का भी नहीं है, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री सरकार भी साथ में है। और रहा उत्पीड़न की बात व्यापारियों की, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। बाकी सब साथ, व्यापारी सब एकजुट होकर रहें, पीछे कैंप भी लगा था व्यापारियों का, ये जीएसटी के अधिकारी आए थे, हम लोग प्रयास करेंगे कि जीएसटी के अधिकारी गोंडा से यहाँ आवें और सबको अपनी बात नए तरीके से बतावें। व्यापारियों से हमारा निवेदन रहेगा कि उनको सूचना मिलते ही वे ज़रूर उस कैंप में आवें और जीएसटी के बारे में जानकारी लें कि जीएसटी है क्या चीज़। जीएसटी कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, लेकिन दुकान बंद करने का ही कोई समाधान नहीं है। बंद करने से और परेशानी बढ़ेगी, खोले रहने से वो परेशानी दूर ही होगी। इसमें बहुत से फायदे हैं, ये जब जीएसटी वाले आएंगे और व्यापारी गण आएंगे, हम लोग एक साथ मिल करके एक दूसरे का आदान प्रदान, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि वो अधिकारी किसी भी व्यापारी का हमारे उत्पीड़न करके चले जाएं, किसी से अभद्रता से बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को लगे या कोई संदेह हो वो संगठन से मिल करके, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के संगठन से मिल करके पूरी जानकारी ले सकता है। 72 घंटे के बाद यदि फिर अधिकारियों ने प्रसार करना शुरू किया फिर क्या कहेंगे सर आप? कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन ये है कि सब लोग अपने अपने स्वतः से अपना आकर अपना जीएसटी के दायरे में अपना जो भी काम हो वो अपना कराएं, और व्यापारियों को ये अनुरोध है कि अपनी अपनी दुकानें खोलें। आयकर विभाग ने जो निर्णय लिया है 72 घंटे का रोक लगाया है उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? रोक तो लगाया है लेकिन इसको करके दिखाएं, ये अगर रोक लगाते हैं ऐसे कोई वो नहीं भाई, देखिए मंडी खुल रही है, बंद हो रही है, ये सरकार को देखना चाहिए, हर जगह है, यहाँ से गांव देहात तक। तो इसको 5 दिन के बाद जो दहशत का वातावरण था वो आज कुछ चहलकदमी में बदला है, बाजारों में रौनक लौटी है, लेकिन फिर भी जो 72 घंटे का रोक आयकर विभाग ने लगाया है उससे व्यापारियों के दिल में कहीं ना कहीं एक चुभन और टीस बनी हुई है, इसलिए व्यापारी बहुत खुल के अपनी आवाज़ नहीं प्रकट कर पा रहे हैं। ये वो इस तरीके संतुष्ट नहीं है कि यह अनिश्चितकालीन रोक है या 72 घंटे का। तो आइए सर एक बार फिर बताइए आप कि 72 घंटे की जो रोक है इससे कितना संतुष्ट हैं आप? मैंने आपको पहले भी बताया, सवाल 72 घंटे का नहीं है, ये कभी भी आए। हम व्यापारियों से निवेदन है कि ये अपनी अपनी दुकान बड़े ही निर्भीकता से खोलें, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बंद होने से अपना नुकसान है। केवल वे ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी जीएसटी के अधिकारी गोंडा से आवें, वो जब भी हम लोग सूचना देंगे वे वहाँ आ करके उस जीएसटी के बारे में ज़रूर जानकारी लें और प्रयास करें, क्योंकि जीएसटी के कुछ ऐसे भी फायदे हैं जैसे इन्होंने अभी बताया अधिकारी ने कि इसमें 10 लाख रुपए का बीमा भी है। तो सवाल यह है कि एक नुकसान ही नहीं है, और बंद करे रहने से और भाग जाने से ही हमारा नुकसान है। फिलहाल ये कैंप बहुत जल्दी हम लोग बुलवा रहे हैं, बुलवाने के बाद हम व्यापारी भी आएंगे, हम दोनों वार्ता करेंगे और प्रयास रहेगा कि सब फिर सामान्य तरीके से चलेगा। तो ये देखा व्यापारियों की प्रतिबद्धता,
किस तरीके से ये 72 घंटे की जो रोक है आयकर विभाग की, उस तरीके से व्यापारियों ने अपने विचार व्यक्त रखे हैं। कहीं ना कहीं राज्य कर विभाग द्वारा जो ये एक परिप्राण तरीके से छापेमारी की गई थी, इससे व्यापारियों में दहशत उत्पन्न हो गया था, वातावरण खौफ का बन गया था। लेकिन ये इस तरीके से ये हल नहीं निकला कि व्यापारियों ने दुकानें बंद करके रखी है। लेकिन फिलहाल व्यापारियों ने जो है 72 घंटे का रोक लगाया गया है, उसे कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहे हैं और ये प्लान कर रहे हैं कि अब भविष्य में यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। समा टीवी न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज नवाब, कैमरामैन मोहम्मद बाबू खान के साथ।